मैं डॉक्टर उज्मा दाऊदी, आज हम प्रेगनेंसी में ओबेसिटी से होने वाले कॉम्प्लिकेशन के बारे में बात करेंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं कि ओबेसिटी है क्या। ओबेसिटी वह है जब हमारा बॉडी मास इंडेक्स 30 से ज़्यादा होता है। अब बॉडी मास इंडेक्स यानी BMI होता क्या है? तो BMI होता है वेट इन केजीज डिवाइडेड बाई हाइट इन मीटर स्क्वायर। अगर BMI 18.5 से कम होता है तो आप अंडरवेट हैं, और 18.5 से 24.9 होता है तो आपका आइडियल वेट होता है, और 25 से 29.9 तक ओवरवेट होगा। अगर 30 से एबव होगा तो वो ओबेसिटी में आ जाएगा। अब सवाल ये है कि क्या हाई BMI प्रेग्नेंट होने के चांसेस को इफेक्ट करता है? तो हाँ, बिल्कुल। जब आपका BMI हाई रहता है तो इसका मतलब आपके बॉडी में एडिपोज टिश्यू भी हाई रहता है। अब एडिपोज टिश्यू में एक एंजाइम होता है जो अदर हार्मोन्स को एस्ट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है, जो कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम काउज करता है, जो आपके ओवुलेशन को इनहिबिट कर सकता है। इसलिए जो महिलाएं ओबीज होती हैं उनको प्रेग्नेंट होने में ज़्यादा वक्त लग जाता है। अब जानते हैं हाई BMI प्रेगनेंसी को कैसे असर करता है। तो हाई BMI प्रेगनेंसी को कई तरीकों से इफेक्ट करता है। सबसे पहला ये कि इसमें मिसकैरेज के जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। स्टिल बर्थ होता है, जैसे वैसा कंडीशन जिसमें बेबी यूट्रस में ही डी कर जाता है, और रिकरेंट मिसकैरेज के चांसेस रहते हैं। दूसरा, इसमें जेस्टेशनल डायबिटीज जो प्रेगनेंसी के दौरान हो जाता है, जैसे कि जेस्टेशनल हाइपरटेंशन और एक प्रीएक्लेम्सिया, कार्डियक डिसफंक्शन, स्लीप एपनिया होता है। और ये क्या करता है कि सिजेरियन सेक्शन के चांसेस को भी बढ़ा देता है, और CS के बाद के भी कॉम्प्लिकेशन को बढ़ाता है, जैसे वो इन्फेक्शन हो सकता है इसमें। अब हम बात करते हैं क्या ओबेसिटी आपके बेबी को इफेक्ट करता है। हाई BMI प्रेगनेंसी के दौरान होने से बेबी को कई हेल्थ प्रॉब्लम होने के चांसेस रहते हैं, जैसे बर्थ डिफेक्ट्स हो जाते हैं, लार्ज बर्थ वेट बेबी होता है, इम्पेयर्ड ग्रोथ हो जाता है, चाइल्डहुड अस्थमा, चाइल्डहुड ओबेसिटी हो सकता है। अगर आप ओबीज हैं तो प्रेगनेंसी के दौरान क्या खास ख्याल रखना चाहिए? अगर आपका BMI 30 या उससे ज़्यादा है तो अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से मिलना चाहिए। जनरली हम लोग डायबिटीज़ का स्क्रीनिंग जो है 24 से 28 वीक्स के दौरान करते हैं, लेकिन अगर कोई ओबीज पेशेंट आती है तो उसका अर्ली इन प्रेगनेंसी में ही हम डायबिटीज़ को डिटेक्ट करते हैं। सीरियल फीटल ग्रोथ स्कैन कराते हैं, जिससे कि फीटल का जो ग्रोथ हो रहा है उसका पता चलता रहता है, और स्क्रीनिंग फॉर ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया करते हैं। जो स्लीप एपनिया ऐसा कंडीशन है जिसमें नींद के दौरान आपका ब्रीदिंग जो है वो रिपीटेडली स्टॉप और स्टार्ट होने लगता है। ओबेसिटी में हेल्दी प्रेगनेंसी कैसे हो? तो हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए आपको प्रेग्नेंट होने से पहले ही केयर शुरू कर देनी चाहिए। जब आप प्रेगनेंसी प्लान करते हैं तो आप डॉक्टर से मिलें, तो डॉक्टर आपको एडवाइस करेंगे कि आपको किस तरह से वेट रिड्यूस करना चाहिए, कितना रिड्यूस करना है, और कितना वेट आपके लिए आइडियल रहेगा आपके हाइट के अनुसार, और हेल्दी डाइट लेना चाहिए, फिजिकली एक्टिव रहें, योगा और एक्सरसाइज करते रहें, और आपको एक्टिव और पैसिव स्मोकिंग और अल्कोहल को अवॉइड करना चाहिए।